होगी ही, क्लास तो बिल्कुल होगी मेरे जिगर के टुकड़े, क्लास क्यों नहीं होगी भाई, हो गई क्लास, देखो बेटा शुरू हो गई क्लास, मैं आ गया। संडे है आज, एक ही क्लास होगी, थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा बारिश का मजा लेंगे बाहर, है ना, घूम घाम के आएंगे, और एक क्लास तो जरूर होगी, है ना। तो एक क्लास जो होने वाली है उसको लेकर के मैं अनिल बिस्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस में, जो आपका अपना खुद का अंग्रेजी साहित्य से भरपूर, अंग्रेजी ग्रामर से भरपूर, अंग्रेजी वोकैबुलरी से भरपूर, यानी सिलेक्शन की पूरी तैयारी आपके सामने। आज मैं लाया हूं आपके सामने पार्ट टू है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, जहां बहुत बेहतरीन सब्स्टिट्यूशंस हैं। देखिए चित्रात्मक आज मैंने कुछ कलाकारी दिखाई है पीपीटी में, देखिए वो कलाकारी आपको कितनी पसंद आती है। देखते हैं क्या कलाकारी किया मैंने। अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स स्टोर्स एमिनिशंस आर हिडन, जहां खजाने छुपाए जाए, हथियार रखा जाए, हथियार ग्रह, वो केक होता है स्थान। देखिए इसमें कुछ खास वर्ड्स मैंने डाले हैं जो सिंपली आप देखते हो, आर्करी है और है ना आर्मामेंट जहां पर रखे जाते हैं, वो सारी जगहों को केक ही कहा जाता है, तो केक वर्ड है ये, केस या केक इसको हम कहते हैं। दूसरा स्थान और दूसरा व्यक्ति है काकोफोबिया, वह पर्सन जिसको फियर ऑफ अगलीनेस हो, बदसूरती से। देखिए ये बदसूरत आदमी है और अगर आप इस आदमी से डर जाओ तो आप काकोफोबिया पर्सन कहलाओगे। हालांकि 110 तक मैं कल समझा चुका था, तो आगे मैं पढ़ रहा हूं। 103 नंबर कहता है दैट विच इज कॉरप्स लाइक कैडेवरस, होता है लाश के जैसा। ये देखो लाश पड़ी यहां पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे लाश पड़ी हो, तो लाश पड़ी है तो लाश के जैसा है ये, तो ये कॉर्प्स लाइक है, कॉर्प्स लाइक माने लाश के जैसा। दूसरा चित्र कहता वाओ दैट्स नाइस टाई, अब टाई में कौन सी ऐसी खास बात है, बस वो काजोल करना चाहता है, काजोल का मतलब है फ्लैटरी करना चाहता है, वह प्रशंसा करना चाहता है बहुत ज्यादा, भूरी भूरी प्रशंसा करता है और कहता भाई देखो कितना बढ़िया लग रहा है तुम्हारा चेहरा आज, आप तो तुम बहुत हसीन लग रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो काजोल पर्सन है, काजोल हीरोइन नहीं है तो काजोल ही कह सकते हैं उसको। थोड़ा सा अच्छी लग रही पीपीटी कि नहीं, मेरी मेहनत को सफल हुई कि नहीं सफल हुई है। ये देखो क्या चिल्ला रहा है, इसको देखो ये कैसे चिल्ला रहा है, इसके ऊपर ये क्यों चिल्ला रहा है, ये कैलस पर्सन है। कैलस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट, जो काइंड थॉट बिल्कुल जानता ही नहीं क्या होते हैं, ना तो वो सिंपथेटिक होता है, उसके अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसे हम कैलस कहते हैं। ये देखो कैलस, इसके चेहरे लग रहा है ये कैलस पर्सन है कि नहीं है, तो ये कैलस पर्सन हो गया, है ना बच्चा। और आगे देखो यहाँ पर, ये देखो ये इसको, ये महिला को पकड़ कर ले जा रहे हैं, ये सब कैनिबल्स लोग हैं, ये सब खाने की तैयारी इसको कर रहे हैं, यानी वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश कहलाता है वो कैनिबल, जो मानव मांस भक्षी होता है। देखो मानव मांस लिए जा रहा है ये, मानव ये महिला को पकड़ लिया है, इसको ये सब मिल करके खा जाएंगे। आगे ये देखो क्या कहती है, कुत्ते को बहुत प्यार कर रही है महिला, देखो कुत्ते को बहुत प्यार कर रही है, तो कुत्ते को प्यार करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कैनोफिलिस्ट, कैनोफिलिस्ट, कैनोफिलिस्ट किसको कहते हैं। हाँ तनु दीदी बिल्कुल लगी रहो इसी तरह से, तो ये क्या है कैनोफिलिस्ट का मतलब है, कैनोफिलिस्ट का मतलब कुत्तों से प्यार करने वाला। ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ सब डेड बॉडीज, अभी डेड बॉडी लाइक था, ये सब जानवरों की डेड बॉडीज है, तो डेड बॉडी ऑफ अ एनिमल, ये दो वर्ड्स दोनों स्पेलिंग इसकी सही होती है, मैंने चेक किया हुआ है, कारकास और कारकेस, कारकेस और कारकास, ये दोनों स्पेलिंग इसकी सही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी ऑफ एनिमल्स, देखो लगा दिया हमने यहाँ पर। ये देखो क्या है, ये है कार्निवाल, जहां पर मैरी मेकिंग होती है, जहां खुशियां होती हैं, जहां मजा होता है, बिल्कुल मेले की तरह लोग जुटते हैं और मजे लेते हैं, उसे हम कार्निवाल कहते हैं। लेकिन अगर वो शोर मचाएं थोड़ा सा, देखो यहाँ पर ये देखो चिल्ला रही है, तो शोर मचाएंगे तो उसे हम कारोशुअल कहेंगे, कारोशल कहेंगे, क्या कहेंगे कारोशल, ये बहुत वर्ड बढ़िया है, नॉइजिंग ड्रिंकिंग पार्टी और मेरी मेकिंग, है ना, बिल्कुल फालस्टाफ वाली स्टाइल में जब मेरी मेकिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कारोजुअल कहते हैं,
कराउजल कहते हैं, कराउजल कराउजल है ना, कराउजल कराउजल कहेंगे उसको, कराउजल। हाँ हम कह नहीं पाते अंग्रेजी, बहुत कठिन होती है। डॉक्टर से डरता हो बच्चा है जिसे इंजेक्शन कहते हो, नो इंजेक्शन ना लगाना मेरे को, ये देखो बच्चा डर रहा है ना, तो बच्चा डर रहा है तो ये क्या है, ये कैट्रोफोबिया है, ये कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया माने होता है अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ डॉक्टर्स, हाँ जो डॉक्टर से डरता है। और इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की बॉडी होती है उसका मंत्रिमंडल, जैसे उसका मंत्रिमंडल, तो ये देखो मंत्रिमंडल, ये व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं, ये सब मंत्रीगण हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो है वह सर्कल जिसमें मंत्रिमंडल के लोग हो, इनर बॉडी हो, इनर सर्कल हो, है ना बेटा, कैट्रोफोबिया हो गया। और ये कहलाता है काकस, काकस कहलाता है, काकस 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 क्या होता है, काकस होता है मंत्रिमंडल, हाँ किसी भी सरकार का या गवर्नमेंट का इनर सर्कल जो होता है वो कहलाता है। अगले वर्ड की बात करेंगे हम, सेलोफोबिया, एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से भी कोई डरता है क्या, सुंदरता, ये देखो सुंदरता यहाँ पे रखी हुई है, तो ये सुंदरता से अगर आपको डर लग रहा है तो आप क्या हो गए, आपको सेलोफोबिया कहना चाहिए आदमी को, आपको कहे सेलोफोबिया, है ना, आप डर गए। और वन हु इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड सेनेटेरियन, बहुत बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी, ये देखो बुजुर्ग, ये सेनेटेरियन है दोनों, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेनेटेरियन है, क्योंकि ये इनका इनके 100 प्लस ईयर की हो गई, ये देखो सेनेटेरियन है दोनों। अगला है वर्ड, कहता है सिरेमिक्स क्या है, आर्ट ऑफ पॉटरी, पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के किसी भी प्रकार के बर्तन बनाना, लेकिन जो सेरेमिक्स होती है वह इस तरह के बर्तन बनाते हैं, सेरेमिक्स मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, मतलब सेरेमिक्स इस तरह का, है ना, समझ रहे हैं। अच्छा तो कोई डर लगता है, चलो ठीक है। एल्डरली वुमेन, वह महिला जो इंचार्ज हो एक लड़की की जो किसी सोशल अकेजन पर, जैसे होली दिवाली है, हमने बिटिया से कहा बिटिया तुम दादी के पास ही रहना, तो दादी जो है उसकी क्या हो गई, इसकी उसकी सैपरन हो गई, सैपरन या चैपरन, चैपरन या सैपरन कहेंगे, तो दादी अगर बिटिया के साथ होली दिवाली में या कहीं किसी किसी कार्यक्रम में हमने कहा दादी के साथ ही रहना, तो दादी उसकी केयर टेकर हो गई, तो वो जो केयर टेकर है जो वो कहलाएंगी क्या, बेबी सीटर जो होगी वो चैपरन कहलाएगी, बात समझ गए बच्चा, बहुत अच्छे। चलो अगला बात करते हैं, कहते हैं एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, चश्म चश्मा जिसको कहते हैं ना, कहते हैं चश्मा, सोता देहात में होता नहीं, जहां पर पानी हमारे वहां गांव में तो था, जो तराई के क्षेत्र में उधर जाते थे तो अपने आप नीचे से बुलबुल 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 पानी निकलता रहता था, पानी निकलता रहता था, तो उसको हम स्रोत कहते हैं, सोता कहते हैं, सोता फूटा वहां पे देखो पानी निकल रहा, तो पानी मतलब जमीन जमीन से निकल रहा, कहीं से वो आ रहा है दलदली मिट्टी में, तो ये जो है स्रोत जो होता है पानी के बीच भी जमीन के बीच में जो क्रैक होता गहरा, उसको चश्म कहते हैं। गुड इवनिंग भैया अनिल मौर्य रायबरेली से। अच्छा, अ पर्सन हु प्रटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, इसको हम सैरलटन कहते हैं, कहता है आई डोंट नो माय फादर, हु आस्क योर्स, ठीक है ना, आप देखो ये बहुत ज्ञानी है, ऐसी व्यक्ति है ये जो कहती है हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये सार्लेटन है, सार्लेटन माने बहुत ज्ञानी पर्सन, बहुत ज्ञानी, अगर बहुत ज्ञानी बनते हो भाई तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तो ज्ञानी पर्सन कहते हैं ना बच्चा। आप देखो यहाँ बहुत बढ़िया तस्वीर लगाई है मैंने, और कहता है ये वह पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया ऑफ सावनिस्ट, इन दोनों में से कौन होगा, ये है, ये सावनिस्ट है, सावनिस्ट, अब मेल सावनिस्ट भी होता है, वुमेन सावनिस्ट भी होता है, अगर कोई पुरुष है और वो ये समझता हो कि किसी महिला की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि उसको चाय बना के दे, उसको खाना खिला के दे, उसके बर्तन धुले, उसके कपड़े देखे, उसका घर देखे, उसके बच्चों को संभाले, तो ये इसका मतलब है ये मेल सावनिज्म है, और कोई महिला है वो जो पुरुष को दबा करके रखे, इसका काम है जाकर नौकरी करके लाए पैसा कमा के लाए, मैं तो घर में रहूंगी और मेरा जो मर्जी आए वो करूंगी, इनका धर्म है, इनकी ड्यूटी है हमको ला के पैसा दे जितना खर्चा लगे, तो वो वुमेन सोवनिज्म हो जाएगा, सोवनिस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये सोफर है, ये क्या है, मोटर कार जो चलाता है ये सोफर कहलाता है, सोफर, सोफर जो आपने सुना सोफर ड्रिवन कार से आया था, वो उतरा सोफर आया
टोपी लगाया था और गेट खोला और साहब निकले उसके अंदर से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सोफर हो जाएगा, सोफर, ठीक है ना। आगे कहता है एन अनरियल और विजनरी आइडियल, यानी एक ऐसा आइडियल आप बना लो अपने दिमाग में जो अनरियल हो, बिल्कुल ऐसी तस्वीर बना लो जो रियल हो ही ना सके। देखो जो सिमेरिकल मैंने तस्वीर निकाली है नेट से, है ना, ये महिला देखो, इसके सींगे लगी हुई है, बाल देखो, हड्डियां, तो ऐसी वास्तव में हो नहीं सकती। तो ये अनरियल है, अनयूजुअल है और आइजनरी, ये विजनरी आइडिया है, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे सिमेरिकल, सिमेरिकल कहेंगे उसको। क्या कहेंगे बच्चा, सिमेरिकल कहेंगे उसको। अगला वर्ड है चिप। चिप लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। जैसे देखो वहां लकड़ी काटी जा रही थी तो वहां टुकड़े पड़े थे, हम उठा ला एक तस्वीर फोटो खींच के लगा दी यहाँ पे। तो ये देखो ये लकड़ी के टुकड़े, ये चिप कहलाते हैं, सब चिप है, ये सारे के सारे चिप है। नहीं नहीं, हमारे में से ना मेल सवनिज्म है, कहीं सवनिज्म का अधिकार है, और ना ही नहीं फीमेल का। हमारी अगर ऐसा होता तो हमारे बच्चों की पटरी, अपने हमारे बच्चों का कैरियर अपनी पटरी पर नहीं आ पाता, हम दोनों ही आपस में लड़ते रहते, तो बच्चों को कौन देखता। उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछार किया बच्चों के पीछे हमारे, उनकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ कोई सवनिज्म है ही नहीं, ना मेल है ना ना वुमेन सवनिज्म। अब यहाँ देखो दो तस्वीरें हमने लगाई हैं, यहाँ कलर को मिक्स करा जा रहा है ना बेटा विनीत। देखो अब कलर को मिक्स किया जा रहा है, तो बताओ यहां पर कौन सा वन वर्ड, वह पर्सन जो कलर को मिक्स करता है, कलर्स पे काम करता है, और वह व्यक्ति जो अपने 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 जन्म से लेकर के और वृद्धि तक की बात करता है, यानी कैसे विकास हुआ मानव का, किस तरह से पहले ये था फिर ये था फिर ये था, तो सीन साइंस ऑफ कलर्स, इसको कहते हैं हम क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स क्या होती है बेटा, ये होती है कलर्स की साइंस, कलर्स को मिक्स करना, नए नए कलर बनाना, है ना। और स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जीवन कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू हुआ कैसे, इसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो क्रोनोलॉजी और क्रोमेटिक्स, ये दोनों नए वर्ड अगर आपको लग रहे हैं तो नोट किए जाएं दोनों बच्चे। अ वुमैन हु लर्न्स मैन टू डिस्ट्रॉय देम, ये कहलाती है सायर, सायर्स, है ना। अच्छा मिली थी, इतने दिन में थी भी हो गई। टू डिस्ट्रॉय देम, ये है सायर, सायर्स कहें इसको और क्या कहें, या सिरसे कहें, या सिर्स कहें, सिर्स कहें इसको, प्रोनंसिएशन सही क्या होगा, सिर्स। तो ये जो सिर्स है ये क्या होती है, ये वह महिला होता है जो आपको मिली थी, जैसे आप कह रहे हैं हमको मिली थी एक, तो ये सिर्स ही थी। क्यों, क्योंकि वो आपको ललचाती थी, आप लालच में फंस के उसके पास बैठे रहते थे, पांव दबाती थी आपके, जो है आपको जो था आनंद आता था, और आपका पैसा वैसा धन वन लूट के निकल लेती थी। तो ऐसी महिला को हम सिर्स कहते हैं, समझ गए। हाँ, कमस में, जैसे ये कमस, ये कमस है, तो कमस में ये सिर्स थी, ठीक है ना, जो डिस्ट्रॉय कर दे पुरुष को, ठीक है ना बेटा। ये देखो हमने निकाला है। अब 129 नंबर कहता है प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग कैरीड आउट, सरकमवेंट है ये, दरकिनार कर देना किसी चीज को, दरकिनार कर देना। शिंदे ने एक बार फिर से बीजेपी को दरकिनार कर दिया, तो उसे सरकमवेंट कर दिया, समझ गया सरकमवेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो यहाँ पे मजे कर रहे हैं साहब, और इन सबको पैसा मिला है, इन सभी को ताली बजाने का पैसा दिया गया है। बताओ इनके लिए कौन सा वन वर्ड होगा, तो इनके लिए वन वर्ड होगा क्लैक। क्लैक अ ग्रुप ऑफ अप्लाउडर्स दैट इज पेड टू क्लैप, जिनको ताली बजाने के लिए पैसा दिया जाता है। आप देखते होंगे तमाम टीवी शोज होते हैं, उसमें पैसा, जैसे एंकर की आवाज फटफट फटफट ताली बजने लगी, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा फटफट ताली बजने लगी, वो ताली क्यों बजती है, वो ताली बजती है, पीडीएफ से नोट करो, कहे चाहे ऐसे नोट करो, क्या करे, ऐसे बढ़िया लिखो बैठ के साथ ही साथ, कौन दिक्कत है, बढ़िया सी आ रही। तो पेड टू क्लैक, जिनको पैसा दिया जाए, क्लैक होते हैं बेटा वो ग्रुप जो है जो पैसा देकर ताली बजाता है। अब फियर ऑफ गोइंग टू बेड, ये अब डर लग रहा बिस्तर पर जाने से, नींद नहीं आती है, या तुम दिन भर पाओ तो दिन भर सोया करे, सोते ही रहे, तो क्लाइनोफोबिया हम में से किसी को ना ही हो तो अच्छा हो, कि बिस्तर पर जाने से ही डर लगे, है ना, सोने का मन ना करे जिसका,
तो देखो ये देखो महिला है, ये बिस्तर पर लेटी तो है लेकिन ये बेचारी घंटी यहाँ रखी है, 2:30 बज रहा देखो रात के, रात के कितने बज रहे 2:30, और ये बेचारी सो नहीं पा रही है। ये सब नोट कर लो बेटा, क्लाइनोफोबिया हुआ है जिसको बिस्तर पर जाने से डर लगता है, उसे हम क्लाइनोफोबिया कहते हैं, देखो उसे, है ना। और क्लाइक जो है, ये भी जितने भी नए हैं बेटा सब देखो, कोनो पीडीएफ मांग रहा है बिटिया, क्लास ले ले हुआ है तो कह पीडीएफ ले ले लाल। अ नैरो एक्सक्लूसिव सर्कल और ग्रुप ऑफ पर्सन, एक संकीर्ण ग्रुप, कहते भाई मेरा जो है क्लाइक बहुत छोटा है, छोटा का मतलब है मेरा जो सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, ज्यादा लोगों से नहीं, एक दो लोगों से ज्यादा, ज्यादा 2-3 लोगों से ज्यादा ताल्लुक रहता है, मैं ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं, तो उसको हम क्लाइक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लाइक। जैसे ये सर्कल है इनका, ये 5 लड़कियां हैं और पांचों आपस में क्लाइक की तरह रहती है, है ना। क्लाइक का मतलब क्या हो गया? क्लाइक का मतलब हो गया एक ऐसा ग्रुप जो नैरो एक्सक्लूसिव सर्कल हो, संकीर्ण हो, ज्यादा बड़ा ना हो ग्रुप, है ना। 3-4-5 लोग उस ग्रुप में हो। सीयूटी में 520 out of 550 आए हैं। आई विल गेट एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस फॉर बीए प्रोग्राम टू ओबीसी कोटा। आर्यन तुम्हारे कितने हैं? आर्यन तुम्हारे सीयूटी में नंबर कितने हैं? वैसे वैसे अभी कितने हो गए टोटल? 540। ठीक, अभी तो बेटा थोड़ा सा, अभी तुम्हारे जो ये बेदी भैया, ये जो तुम्हारा आया है ना 520 बेटा, 650 में, अभी ये 520 में बढ़ेंगे या घटेंगे ये होगा, क्योंकि अभी जो है वो आंसर उसमें 11 बेटा मेरा बता रहा था कि 11 12 आंसर जो है उसके गलत गलत सही हो गए हैं ना, तो उसके इस हिसाब से 540 आ रहे हैं, अभी कुछ और बढ़ेंगे, 540 है उसके, तो बीए वो भी करना चाह रहा है ना बेटा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस तुमको। अभी क्वेश्चंस बढ़ेंगे बेटा, तुम्हारे प्रश्न वेदी जो है थोड़े से बढ़ जाएंगे। प्रश्न क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि उसमें 11 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, है ना बेटा। 11 को तुमको भी पता होगा ये चीज कहां से हो, और बढ़िया है, अच्छा लगा तुम आए चैनल पे। ये नंबर हमारा नोट करो बेटा, से आपको बात करवाएंगे हम, 7023030918। और बेटा भी हमारा बीए में ही एडमिशन लेना चाहता है, आप लोग कहाँ एडमिशन लोगे, आपस में हम बातचीत करवा देंगे। आप मैसेज करिएगा इस पे या कॉल करिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, मेरा बच्चा दे दिया, ये देखो नंबर, मेरा नंबर है, उसका नंबर हम याद नहीं है हमको, तो उससे बात कर लेना अभी, ठीक है ना। अभी पूछे 540 नंबर अभी उसके आ रहे हैं, अब थोड़ी बहुत घटबड़ हो सकती है ना बेटा। और वो सेल्फ स्टडी किया है, अंग्रेजी में उसके 200 में 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 180 नंबर है, जबकि उसने मेरी, मुझसे वो पढ़ता नहीं, क्लास व्लास मेरी देखता रहता है, क्लासेस तो सारी नॉर्मल लेविस, हमने कहा था पढ़ लो, तो पूरी नॉर्मल लेविस उसने पढ़ ली थी, और 1 महीने उसने पढ़ के खत्म कर दिया, 20 दिन के अंदर पढ़ के उसने फेंक दिया था, कहा पापा बार बार क्या पढ़े। फिर एक दिन हम पूछने लगे तो खटाखट 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 सब बताते चला गया बिल्कुल, वाह ये तो मेरे पे गया ही नहीं, मम्मी पे गया है। आना बेटा, गुड़गांव हरियाणा से हो आप, ठीक है, तो डीयू में एडमिशन लेने का विचार बना रहा है बेटा हमारा। और आप कहाँ एडमिशन? नॉर्थ कैंपस फॉर बीए प्रोग्राम थ्रू ओबीसी कोटा एडमिशन इन नॉर्थ, सीयूटी एडमिशन नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ कैंपस दिल्ली में बेटा। चलो ठीक है, बात करना बेटा से, तो मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं। तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अब देखो इसको, है ना, इसको आर्कियोपेलेगो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आर्कियोपेलेगो, है ना, आर्कियोपेलेगो कि नहीं? लोगो, लेगो। लड्डू आओ, तुमको लड्डू खिलाते हैं, लड्डा खिलाते हैं, लड्डू तो लड्डू बड़ा वाला लड्डा बनवाए तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ डाल सकते हो बेटा प्राइमरी के लिए, देखो भैया लोग साथी तुम्हारे बता रहे हैं सब किए हैं सीटेट उटेट, हम तो सीटेट उटेट कुछ किए नहीं, बीएड किसी तरह कर लिए थे तो को नौकरी मिल गई है। तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्लस्टर, इसको आर्कियोपेलेगो भी कहते हैं और क्लस्टर भी कहते हैं, है ना, आइलैंड्स क्लस्टर भी कहते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। आप देखो यहां पर ये लोग खड़े हैं, तो ये सब कॉग्नेट हैं। ये कॉग्नेट किस तरह से हैं? क्योंकि ये महिंद्रा में काम करते हैं, मान लो महिंद्रा जैसी कोई कंपनी में, तो ये फोर्सफुल्ली स्माइल करने के लिए कहा जाता है, खड़े होकर मुस्कुरा के फोटो डालो, सेल्फी डालो,
तब जानेंगे हाँ टाइम से तुम स्कूल पहुंचे थे, कोचिंग पहुंचे थे। तो जैसे महिंद्रा है या दूसरी कोचिंग उस समय थी, अब तो खैर क्या माहौल है नहीं पता। प्रेजेंटेड इन अ फोर्सफुल एंड कन्विनिंग मैनर, कन्विनिंग माने होता है गैदरिंग, फोर्सफुल हो और गैदर किए जाए एक साथ, मैं सब लोग जितने लोग आए हो कोचिंग में सब लोग एक साथ फोटो खींचे, उसमें हमारा भी फोटो तो नहीं लगा है कहीं, लग रहा है गोरखपुर ब्रांच का फोटो मेरा भी ऐसे है कोई फोटो, तो ठीक है ना। तो उसे हम कॉग्निट कहते हैं। तो कॉग्निट को पहले समझ लो क्या है, ये फोर्सफुल्ली यहाँ खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि ये फोटो ऑफिस जा सके, हेड ऑफिस, और वहां पे लोग देखें कि हाँ भैया तुम लोग सब टाइम से आ गए थे। तो ये कन्विनिंग निश्चयात्मक मैनर इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। अगला दूसरा जो हमारा सिनोनिम आया है, वन वर्ड आया है, वह कंपेल टू अ कॉज ऑफ एक्शन, कॉज या एक्शन पर जो है कंपेल हो जाए, बाध्य हो जाए, एक्शन करने पे मैं मजबूर हो गया। तो क्वायर्स ये वर्ड है, बहुत बेहतरीन और नया वर्ड है क्वायर्स, और कहे कि कनपटी रख के बंदूक का पैसा निकाल दे, जितना तुम्हारे पास है सब निकालो अभी के अभी। सीता बिटिया टीजीटी पीजीटी आएगा, जो आया है वो तो जाए पहले, तब तो दूसरा आएगा लाल। हाँ अभी गईबे नहीं किया, वो जो 22 वाले फार्म पड़े थे, 650 वैकेंसी थी, हमारे बच्चे सब उसमें तड़प रहे हैं एग्जाम देने के लिए, पहले नालायक वो तो करवाएं तब तो और आवे, पहले जाए तो जो आ चुका है, ठीक है बेटा। तो ये क्वायर्स एस ई नहीं सी ई है बेटा। हाँ हाँ, गांव महमूदाबाद जहां पोस्टिंग है, लखनऊ से पढ़ाते हैं, सीतापुर में रहते हैं। अब Having a same source or origin, cognate कहते हैं, जैसे cognate verb आपको बताते हैं, बंधु है ये, जैसे हमने कहा he ran a race, है ना बेटा, he ran a race, ये कहा कि नहीं कहा, तो ये race जो है ये ran से ही निकली हुई cognate verb है ना, cognate verb है ये, है ना, जैसे he walked, है ना, He walked a walk. अब देखो ये He walked a walk. तो ये walked और walk, ये walk ये एक noun है और ये walk एक verb है, तो ये cognitive हो गया। Cognate का मतलब एक जैसे दिखने वाला, बिल्कुल जो समान दिखता हो उसे कहते हैं, है ना। Sticking together जो साथ साथ में चिपका हुआ हो, coherent होता है, सुसंगत, एक था पति और दूसरी थी पत्नी और दोनों साथ में बहुत समरसता के साथ चलते जा रहे थे, यानी बहुत ही सुसंगत थे, एक दूसरे को शूट कर रहे थे। ऐसा हालांकि होता नहीं पति पत्नी में कि सुसंगत हो, वो असंगत ही होते तभी सफल पति पत्नी होते हैं, है ना, असंगत होंगे तभी तो सफल पति पत्नी होंगे, है ना। चलो, एनी लैंग्वेज स्पीकिंग ओनली कॉलोकुलिज्म, एनी लैंग्वेज स्पीकिंग ओनली, बोल चाल की भाषा, जैसे हम कहें हिंदी, तो हिंदी तो भाषा है, लेकिन जो कॉलोक्वल है, कॉलोक्वल भाषा होती है, वह होती है डायलेक्ट, वह डायलेक्ट होती है, यानी ऐसी भाषा जो केवल बोल चाल तक सीमित हो, उसका कोई ग्रामर का यूज ना हो, उसकी कोई पढ़ाई वढ़ाई ना होती हो। चलो ठीक है, एन ऑफिशियल बुलेटिन, ऑफिशियल बुलेटिन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिक, विज्ञप्ति। ये बहुत बेहतरीन वर्ड्स है बेटा, नोट करो इनको, तक आयो हिया, बरसात हो रही, सब बाहर कचकच कचकच पानी भरा है, कहीं नहीं आना जाना, चुप्पे बैठो घर में पढ़ाई करो नालायक। तो कॉलोकुलिज्म बोलचाल की भाषा, और ऑफिशियल बुलेटिन अगर है वो तो कम्युनिक है, बहुत बढ़िया वर्ड है, नोट किए जाए, दोनों नोट किए जाए। हाँ, कोहरेंट वर्ब भी होती है, कोहरेंट माने जो स्पष्ट हो, जिसमें कोई अस्पष्टता, ये अपारेंट का सिनोनिम होता है बेटा, अपारेंट का, क्लियर का, लुसिड का, कोहरेंट सिनोनिम भी होता है, जो अच्छी तरह से संगत पूर्ण तरीके से काम कर रही हो, स्पष्ट रूप से काम कर रही हो, तो कोहरेंट उसका सिनोनिम भी है। तो कम्युनिक और कोलोकुलिज्म, बोलचाल की भाषा, डायलेक्ट जिसको कहते हैं, क्लियर हो गया, याद रहेगा। अच्छा, वन, अब वो सब चित्र खत्म हो गया, इतने लगा ही पाए थे हम।
वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स ऑन द स्टेज प्रोग्राम. व्हेन मैं कंपनी लाया हूं, लंदन ले जा रहा हूं, कंपनी अक्षय कुमार गोविंदा है उसमें और एक हीरोइन भी है और परेश रावल उसके मैनेजर है, तो वो कंपनी लेके जा रहा हूं मैं वन हु, और वो जो परेश रावल है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कंपनी को. तो वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, तो कहे आप फलाने आ रहे हैं और धमाका करेंगे, अब धमाके आ रहे हैं और फलाना करेंगे, तो ये जो करता है वहां कार्यक्रम उद्घोषक कहते हैं. अंग्रेजी में उसको हम कॉम्पियर कहते हैं, कॉम्पियर. बहुत बढ़िया वर्ड है, नोट कर लो सारे के सारे, नहीं तो खटिया खड़ी और बिस्तरा घोल हो जाएगा नालायक. समझ गए? हाँ समझ गए. अब देखो, वन हु इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट बंदा हो तो उसे हम कॉम्प्लेसेंट कहते हैं, आत्मसंतुष्ट. ये कॉम्प्लीस नहीं है, ये कॉम्प्लेसेंट है. और अगला वर्ड है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत धमाकेदार, कंसीटेड, दम्भी, मैं ही सब कुछ हूं और कोई कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं. तो वो व्यक्ति बहुत ही अभिमानी दम्भ वाला दम्भी कहलाता है. लिव इन रिलेशनशिप, एक ऐसी लिविंग रिलेशनशिप में रहना एक आदमी का एक महिला के साथ बिना शादी के साथ साथ एक ही कमरे में रहना, तो उसे हम कहते हैं कंकुबाइनेज. कंकुबाइनेज हिंदी अपना पढ़ लेना, कंकुबाइनेज का मतलब होता है बिना शादी के साथ रहना. नेक्स्ट, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज. अब देखो मिठाई की दुकान होती तो उसको हम कन्फेक्शनर कहते हैं, हलवाई, कन्फेक्शनर, मिठाई टाफी है ना, तालमोट, ये सब बेचता है, पेस्ट्रीज भी बेचता है, तो उसे हम कन्फेक्शनर या हलवाई कहते हैं, ये पता होगा आपको. यूनियन ऑफ स्टेट्स पार्टीज और पर्संस की यूनियन हो तो उसे हम कन्फेडरेसी कहते हैं, महासंघ, संघ या महासंघ. आजकल महासंघ की स्थापना करने की कोशिश हो रही है. हैविंग अ सिमिलर नेचर, एक जैसे दूजन हो, कॉमन इंटरेस्ट हो दोनों के, उनको हम कांगनियल कहेंगे. कांगजिनियल, जेनियल होता है, जेनियल, और जेनियल माने होता है बढ़िया स्वभाव वाला, और कॉन माने साथ साथ. तो जब दो व्यक्तियों के जेनियल जो है वो कॉन हो जाए, है ना, कौन है, कॉम है, कोर है, कॉम है, ये सभी का मतलब विद होता है, साथ होता कि नहीं होता, ये रूट वर्ड में सब पढ़ चुके हो. तो कॉनजेनियल, कॉनजेनियल का मतलब है जो अनुकूल हो, एक ही जैसे हो. प्रेजेंट फ्रॉम और बिफोर बर्थ, जो प्रेजेंट हो बिफोर बर्थ से, यानी जन्मजात, जो जन्म से ही हो किसी के अंदर, उसे हम कॉन्जीनिटल कहते हैं. कॉन्जीनिटल, जन लगा इसमें, जन माने जनरेशन, जनरेट करना, उत्पन्न होना. ठीक है ना बेटा, का है डब्बू. अच्छा अगला देखो, कहता है आप ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पुजारियों का जो है कॉन्ग्रेगेशन होता है, सभा, ऐसी सभा जिसमें सब पुजारी ही पुजारी हो, तो उसे हम कांग्रेगेशन कहेंगे, यानी धर्म सभा कहेंगे उसे हम. क्या कहेंगे बच्चा? धर्म सभा कहेंगे उसको. समझ गए? आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हर तरह से एक जैसे हो, दो हो और वो दोनों एक ही जैसे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. कॉन्ग्रुएंट माने समशेष, ट्वीन जिनको कहते हैं ना बेटा, ट्वीन की पर्सनालिटी जो होती है, ट्विंस की, वो ट्विंस की पर्सनालिटी क्या होती है, वो कौन होते हैं माने एक जैसे, और ग्रुएंट माने वेशभूषा, आचार विचार सब कुछ. तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है, कॉन्ग्रीजेशन वर्ड है, और कॉन्जेनिटल वर्ड है. ये सारे वर्ड्स याद कर लिए जाएं. सजेस्ट इन एडिशन टू द फंडामेंटल मीनिंग, जो फंडामेंटल मीनिंग की तरफ सजेशन करे, उसे हम कहते हैं कॉनेट. कॉनेट यानी जो रूट वर्ड की मीनिंग बताए, और रूट वर्ड के साथ साथ, रूट के साथ 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 और जानकारी भी दे, और जानकारी भी दे, जानकारी दे.
यानी सजेस्ट करे एडिशन टू द फंडामेंटल मीनिंग, कनोट होता है वो, जो बेसिक जानकारी तो दे ही और उसके साथ साथ उसके आसपास की करंट लोकेशन की भी जानकारी दे। रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, जन्म से हमारा साथ है तो हम कौन हो गए, कौन लगा, और सैंग्विनिटी, कौन सैंग्विनिटी, ऐसे संबंध जो जन्म से हो, जैसे कॉग्नेट होता है तो कॉग्नेट से ये भी बना कॉन्ग्नुइटी, माने ऐसा संबंध जो खून का रिश्ता, जिसको कहते हैं हम खून का रिश्ता, खून का रिश्ता उसको कहते हैं बच्चा। गाइडेड बाई वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, जो सेंस ऑफ ड्यूटी से चलता हो उसे हम कहते हैं कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब क्या है, कॉन्सियस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाला, अंतरात्मा की आवाज पर चलने वाला। फिर कहता है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री में जाने जाना है तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्क्रिप्शन हो जाएगा, भर्ती, यानी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज कंपल्सरी, यानी तुमको अगर मास्टर बनना है तो 3 साल जो है मिलिट्री में रहना पड़ेगा, तुमको डॉक्टर बनना है तो 3 साल मिलिट्री में रहना पड़ेगा, यानी मिलिट्री में जाना है पक्का जरूरी, तो उस भर्ती को हम कॉन्स्क्रिप्शन कहेंगे, समझ गए। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्राउंडेड टुगेदर, ऐसे स्टार्स जो एक साथ ग्राउंडेड हो उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये आपने सुना था नक्षत्र, है ना, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र के साथ मंडल भी लगा दो इसको। अ डिजीज विज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, ये कंटाजियस होती है, ये आपको पता है, और कंटेजियस का मतलब संक्रामक हो गया, जो फैलने वाली हो, संक्रामक रोग, है ना बेटा। वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पर रहता है, कंटेम्पररी, ये याद है आपको। विलफुल एंड परसिस्टेंट रेजिस्टेंस टू लॉफुल अथॉरिटी, इच्छा के साथ और परसिस्टेंस में लगातार प्रतिरोध करना लॉफुल अथॉरिटी का, उसे हम कंट्यूमेसी कहते हैं, विरोधाभासी, यानी ऐसा जो संघर्ष हम गवर्नमेंट से करें तो उसे हम कंट्यूमेसी कहेंगे। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, धीरे धीरे, कन्वेलसेंस कहेंगे, याद है, कन्वेलसेंस है ये, स्वास्थ्य लाभ, ये आ चुका 2016 में, 16 में आया था कि 21 में आया था। सीक्रेट रिलीजन मीटिंग, ये जो चुपचाप की जाती है, धार्मिक मीटिंग हो लेकिन डर के मारे चुपचाप की जाए, तो कौन माने टूगेदर, वेंटिकल, कौन वेंटिकल, गुप्त धार्मिक बैठे, गुप्त धार्मिक बैठक को हम कहते हैं कॉन्वेंटिकल। बढ़िया। अ गर्ल हु फ्लड्स एग्रेजियसली, बहुत ज्यादा परेशान करे पुरुषों को, ऐसी लड़की क्या कहलाती है, ककटी कहलाती है, मोहिनी, हर किसी को मोह ले, ककटी, एक ऐसी लड़की जो भयंकर रूप से फ्लर्ट करती है, आदमियों का जो जीना मुश्किल कर दे, ऐसी हालांकि होती नहीं दुनिया में लड़कियां, पता नहीं होती कि नहीं होती। सेरेमनी ऑफ क्रॉनिंग अ किंग, कोरोनेशन, राजा का राज्याभिषेक कहलाता है कोरोनेशन। अ फनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, मॉर्नर्स माने विलाप करने वाले, जो रोते हैं, विलाप करने वाले, प्रोसेशन माने जुलूस, एक ऐसा जुलूस जो जिसमें तमाम सारे लोग रोते हुए जा रहे हो, कॉर्टीज कहलाता है, बहुत बेहतरीन वर्ड है ये सब, याद कर लीजिए आपको। अरे दे दे भाई पीडीएफ हो, पहुंचे दे हमका हमारा ग्रुप तक, क्लास ले रहे ना पीडीएफ, दे दे भैया। पर्सन सिंगिंग ज्वाइंटली विद अदर्स, साथ में कोरस जो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोरस करने वाले, वो को सिग्नेटरी है, को सिग्नेटरी का मतलब है सह गायक, साथ में जो गाते हैं। गपुवियर मिला है, हैविंग अ कॉमन टर्मिनस और बाउंड्री,
जो घर है हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दो घर हैं और दोनों की बाउंड्री क्या है बेटा? कॉमन है। तो कॉमन बाउंड्री वाले जो है ये को टर्मिनस कहलाते हैं, को टर्मिनस पीपल है। को टर्मिनस का मतलब है ऐसे जिनके घरों की बाउंड्री सेम हो, एक ही हो। अब यहां देखो दो चित्र मैंने लगाए हैं, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं, अंदाजा लगाओ। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके एक ही तरफ रास्ते का छोर है, यानी ऐसा रास्ता जिसमें एक ही छोर हो। ये देखो ये छोर यहां से आया, ये रास्ता यहां से जाके घूम के फिर पहुंच गया। तो इस रास्ते को क्या कहेंगे जिसमें कोई दो छोर ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा बताइए। अच्छा ये क्या है? ये देखो यहां पर तमाम सारा शमशान के मुर्दे यहां पर लेटे हुए हैं, तो इस स्थान को क्या कहेंगे जहां पर वो एरिया हो जहां पर बहुत सारे शव हो, और वह जिसमें आता बहुत है ना, तो आप बताओ ये जो है ये रास्ते को आप बताइए इसको क्या कहते हैं? मल्टीवे। अच्छा मल्टीवे वाले तो बहुत रास्ता होते हैं दीदी। इसको बताओ तो हम जाने। चलो हम इन बता देते हैं, ये है क्रेस और ये है ककोल। अरे ये तो गड़बड़ाएगा वह मामला, ये वाला है ककोल्ड तो अलग होता है, ये कल्डी सैक है भैया। ये तो हो गया क्रेस, अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड, इसको क्रेस भी कहते हैं। अगर वर्ड कहीं आ गया वर्ड आपके एग्जाम में और ग्रेवयार्ड चर्चयार्ड सेरेमेटरी कुछ ना मिला ऑप्शन में तो क्या करिए? तो क्रेस दुनिया, क्रिका दुनिया, क्रेस दुनिया, दुनिया क्रेस। क्रेस का मतलब होता है वह स्थान जहां पर मुर्दे दफनाए जाते हैं। बढ़िया वर्ड है देखो क्रेस बेटा, मिला कि नहीं मिला? हाँ ये सब नए हैं, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं बेटा, ये 700 हैं, ये सब समझाऊंगा मैं सारे के सारे आपको एक एक घंटा लगा के बेटा। और रात में अगर वापस आ गए तो 9 बजे शेक्सपियर की क्लास लगा देंगे, रात में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? जाएंगे अभी थोड़ा मैडम के साथ घूम आए, नहीं तो मैडम कहा लगते हैं कि तू पढ़ावा करते हो, फिर वहां स्कूल जाते हो पढ़ावा कर तो हमारा सुनते ही नहीं हो, तो चल रहे हैं गुस्सा के, तो हम फिर क्या करवे। थोड़ा सा जाके 10 मिनट घूम आए उनके साथ आज हम। तो अब पैसेज विद ओनली वन एंड, एक ऐसा रास्ता, पैसेज का मतलब, पासेज का मतलब है रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसका एक ही छोर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो बेटा। का हम कहे आखी खोल दिए भैया तुम्हारी, आखी तुम्हारी बंद का ही रहे, गलती तुम्हारी, आंखें न बंद रख के चलोगे तो लड़ जाओगे कहीं सामने से। तो कल्डीसैक याद हो जाएगा, ककोल्ड ब्रह्मचारी पति अपनी पत्नी के अलावा अगर किसी और के साथ उसके संबंध शारीरिक होते हैं तो उसे हम ककोल्ड कहते हैं, CUCKOLD, ककोल्ड, चाहे पति हो चाहे ककोल्ड पत्नी हो, दोनों को तो कहते हैं। चलो आगे, सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप, ऐसा सिस्टम जो रिलीजियस वर्शिप को दिखाता हो उसे हम कल्ट कहते हैं। बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, नोट कर लेना, नहीं तो खटिया खड़ी हो जाएगी, बिस्तरा हो जाएगा गो तुम्हारा, ठीक है ना? ऐसे वर्ड्स तो कल्ट क्या है? वह सिस्टम जो जो हमारी धार्मिक पूजा को इजाजत देता है उसे कहते हैं अ लो एरिया स्टॉर्म विद हाई विंड, नीचे चले गज 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 हाई विंड, रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चक्रवात कहते हैं इसे, साइक्लोन, इतना लंबा उस शब्द लिखे और निकला नतीजा साइक्लोन, चक्रवात जिसे कहते हैं। और वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इसेंशली इविल, ऐसा व्यक्ति जो कहता है अरे आदमी वो गलती करना ही करना है, गलती किए बिना रह ही नहीं सकता, उसे हम साइनिक कहते हैं, निंदक, साइनिक यानी निंदक। अग्जोरीफोबिया कहते हैं उसको, है ना? अग्जोरीफोबिया, अग्जोरीफोबिया तो हजमैन से डरने को कहते हैं, है ना? और ये है
फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर, अभी कैनिफोबिया आ चुका है, ये साइनोफोबिया भी होता है, ये याद कर लीजिएगा, साइनोफोबिया भी कुत्तों से डर को कहते हैं, कैनिफोबिया भी कुत्तों से डर को कहते हैं, ये दोनों याद रखना है लाल मेरे। द स्टडी ऑफ सेल्स स्पेशली देयर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब ये देखो ये साइटोलॉजी है बेटा, साइटोलॉजी बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं, सब नोटे जाएं, ठीक है, हमका मालूम है बहुत जरूरी है, तुम बताइयो दीदी तब है जान पाए, हम 25 साल से ही जाने थे। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आहा हा क्या बात है, जिसको हम कहते हैं उंगलियों के निशान लेना उसकी पहचान के लिए, डैक्टिलोग्राफी कहलाती है, डैक्टिलोग्राफी फिंगरप्रिंट का अध्ययन करने वाला बंदा। पत्नी की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, पहले बताओ उनको, पत्नी की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, अग्जोरीसाइड, और पत्नी को प्यार करने वाला, पत्नी को प्यार करने वाला अग्जोरियस। अब तुम बताओ कि पत्नी से डरने वाला क्या कहलाएगा, हम नहीं बताएंगे, पत्नी से डरने वाला वाला, देखो पहला तो तुमको पता ही, हम बता चुके हैं पत्नी की हत्या अग्जोरीसाइड हो गया, अग्जोरीसाइड हो गया, हो गया नहीं हो गया, और पत्नी से प्यार करने वाला अग्जोरियस हो गया, तुलसीदास महाराज, चाहे दुनिया कौनो व्यक्ति हो तो अग्जोरियस होता ही होता है, और पत्नी से डरने वाला ये अग्जोरी फोबिया हो गया, अग्जोरी फोबिया, समझ गया कि नहीं समझ गया, अग्जोरी फोबिया हो गया, अग्जोरी साइड अग्जोरी, अग्जोरी साइड अग्जोरियस अग्जोरी फोबिया, पत्नी से प्यार कर रहा था इसलिए पत्नी से डरता था, वो पत्नी डर के मारे हत्या कर दिया पत्नी की, इतना ज्यादा जोडू साइड, देखो दीदी बताई ने, ये भी होता है जोडू साइड होता है, जोडू साइड हम नहीं सुने भाई, हम नहीं सुने, हम बहुत सारी चीजें नहीं सुने। वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ एंड अपीयरेंस, छलिया कहते छला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, है ना, तो छैला बाबू किसको कहते हैं, डैंडी होता है ये डैंडी माने होता है छैला बाबू, जैसे वो था वो जॉर्ज रामसे और टॉम रामसे में, तो जो टॉम रामसे था, टॉम रामसे, ये टॉम रामसे था, ये टॉम रामसे जो था वो डैंडी था, खाने पीने पे रहता है, हर चीज में बढ़िया पैसा खर्चा करता था, पैसा क्या हाथ का मैल है ना, एक आदमी खत्म हो जाए उधार दूसरे आदमी से मांग लो, दूसरे आदमी खत्म हो जाए तीसरे आदमी से मांग लो। पत्नी से डरने वाला राहुल गांधी नालायक, उसके जब पत्नी ही नहीं तो डरेगा क्या वो, हाँ तो ये डूड, डूड तो खैर ये ग्रामर का शब्द नहीं है, ये ग्रामर, ये मतलब कोई बढ़िया शब्द नहीं है, तो लोकल भाषा का शब्द है, चलो आगे, लोकल भाषा का मतलब है कहने का, ये आमतौर पे कॉलोक्वल होती है, डूड है ना, डूड कॉलोक्वल है, डैंडी वर्ड द करेक्ट वन, डैंडी, और ये डैंडी की खासियत फ्लैंडरिंग होती है ना, फ्लैंडरिंग आपको याद है ना, फ्लैंडर जो होता है फ्लैंडरर, तो फ्लैंडरर क्या है, जो अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करता है, तो ये डैंडी का सिनोनिम ये हो जाएगा फ्लैंडरर, है ना, फ्लैंडरर, ये दोनों, हाँ ये दोनों हो जाएंगे। अब शाव, ये बहुत प्यारा वर्ड है, शाव सौम में हो जो बिल्कुल पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड, एकदम एकदम ऐसा आदमी कि बिल्कुल मन करे दिल में बिठा ले, डिबनेयर होता है ये, डिबनेयर होता है ये, बहुत बढ़िया, डिबनेयर का मतलब क्या है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, एन ओरिजिनल ग्लास बॉटल, एक ऐसी ग्लास बॉटल जो ओरिजिनल हो, पर होल्डिंग वाइन और रखी जाए उसमें शराब, अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स रखे जाए, है ना, एक बढ़िया बोतल, ऐसे ये बोतल उसमें बढ़िया लगा हो साइफन और इसमें भरी हो बढ़िया सा वह स्कॉच 69 या ब्लैक डॉग भरी इसमें,
इसमें भरी है ब्लैक डॉग। तो इस बोतल को, ब्लैक डॉग वाली बोतल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डिकैंटर कहेंगे, शराबदानी। ये डिकैंटर हो गया बेटा। अब ये राकेश यादव, अरे बहुत दिन बाद बच्चा, कहाँ रहो, कहाँ नैनीताल चले गए रहो, हम कहीं सिलेक्शन तो नहीं होगा कुमार। अ पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी और कमिट्स एंड ऑफेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्मेंस करे ड्यूटी की खराब और कमिट करे अपराध, उसे हम कहते हैं डेलिंक्वेंट, अपराधी। डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट करे जाए शब्द भाई, सब नोट करो। अगला कहता है बचवा, अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टिर अ पीपल, ये तो डमागाग है भाई। एंटोनी आ गया, देखो ये एंटोनी आ गया, गागरिया ना, गॉग गॉग, ठीक है ना, गॉग और डम डम माने पीपल, गॉग माने बोलना। चलो, एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, ऐसा एक्सप्रेशन जो थोड़ा सा डिसअप्रूवल लगे आपको, ये डेनिग्रेशन कहलाता है, डेनिग्रेशन कहलाता है। जानकारी का हुआ, जंगल में रहते हैं, जानकारी नहीं होगी, और जानकारी है तो तुमको क्या मतलब है जानकारी से? तुमको हमारी कौन सी जानकारी से मतलब है? हमारी कौन सी जानकारी से तुमको मतलब है? हमारे अंग्रेजी के ज्ञान से तुमको मतलब है कि हमारी हमारी दूसरी जानकारी से मतलब है तुमको? है क्या चाहिए तुमको? चाहिए कुछ दे प्रसाद। A person who gives written testimony for use in a court, written testimony दे जो कोर्ट में यूज की, ये हलफनामा हमारा, ये हलफनामा है और ये मैं गवाही दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं डिपोनेंट, मैं क्या दे रहा हूं बेटा, मैं दे रहा हूं डिपोनेंट। हमारे पर्सनल जानकारी, तुका का मतलब, हमका मतलब है, तुका ये पता है कि हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक है, बहुत बढ़िया है, यही पढ़ के हमारा सिलेक्शन हुआ था और इसीलिए तो हमारे पीछे पड़े हो कि सर जी ऐसा पढ़ाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सही बात भी है, हम वही पढ़, और हमको कुछ आता ही नहीं, हमको वही आता है जिससे सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो बना पढ़ो आराम से, और तू बाकी जानकारी से तुझसे काम मतलब है? अबे पीडीएफ नहीं देंगे, सोच लेना। एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल, आ हा 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 ना, हम भाई ने बिल्कुल सख्त मना कर दे, हम कहे हम देंगे नहीं पीडीएफ तुमको किसी कीमत पर, तो हमने डेप्रिकेट कर दिया तुमको पीडीएफ देने से, साफ मना कर दिया, ने 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 बोल दिया। अरे प्रसाद थोड़ी तो प्यार है नलायक, तो हमने डेप्रिकेट कर दिया बेटा, हमने कहा ना बिल्कुल नहीं, हमने बोला दो बार, हमने कहा ने ने ने, अगर एक बार ने बोल दी तब हूं नो 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 हो गया, तीन बार हो गया, समझ गया बच्चा। अब चले आगे, ट्रीट अ सैक्रेड प्लेस और थिंग विद वायलेंट डिसरेस्पेक्ट, वायलेंट। अब ये डिसरेस्पेक्ट क्या सैक्रेड के लिए, अब इसको आपने कुफ्र सुना था आपने, है ना, ये दूसरा वर्ड लिख लो आप, ये डिस्क्रेट वर्ड है, डिस्क्रेट, ठीक है ना, डिस्क्रेट भी धर्म अपमान करता है। जैसे अभी उस सूडान में एक बंदे ने कोई कुरान जला दिया है, सूडान की सरकार ने जो है, सूडान ही तो है, सूडानी का भी देख रहे थे खबर कहीं, तो उसको जो है कुछ कहा भी नहीं, कहा है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस हमारे यहाँ होते तो फेल लिए जाते अब तक, ठीक है ना, हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म की बराबर की इज्जत है ना, इसलिए यहाँ कुरान तो कुरान है, ठीक है ना, उसको कुछ कह देते तो उनको रोल रेल दिया जाता दो मिनट में। और सूडान में जो है पुलिस लगी चारों तरफ, विरोधी विरोध कर रहे हैं, और बेटा बचेंगे थोड़ी। गुड इवनिंग नितिन भैया, आओ बच्चे बैठो, कहाँ रह गए रहो तू। तो ऐसा आप कहते हैं यूज इन एन अनवर्दी और विकेट वे, बहुत गलत तरीके से किसी चीज को मिसयूज करना, इसे हम डेसिक्रेट कहते हैं या डिफाइल कहते हैं, ये दोनों स्पेलिंग सही होती है। अगर हम यहां पर ए इसकी हटा दें, डेसिक्रेट कर दें तब भी ये सही है, और डेसिक्रेट कर दें तब भी ये सही है, और डिफाइल भी इसका शब्द है, किसी चीज को अपवित्र कर देना, गलत तरीके से प्रयोग करना। The abandonment of one's country or cause, किसी कारण को या कंट्री को छोड़ देना, तो ये हम डिजर्सन कहते हैं, इसको हम डिजर्सन कहते हैं, एब्डिकेशन नहीं है, ये डिजर्सन है, उसे डिजर्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो डिजर्सन हो गया मेरे लाल।
फिर कहता है द रूल ऑफ अ पर्सन हु इज टायरेंट, अच्छा एनार्किस्ट हो गया वो, तो एनार्किस्ट अगर वो पर्सन है तो उसको हम कहेंगे वो डिस्पोटिज्म का जो है पालन कर रहा है स्वेच्छाचारिता से, हमारा जो मनाएगा वो करेंगे, तो जो मनाएगा वो करोगे तो लोकतंत्र में संभव नहीं है, जाओगे 5 साल बाद रेल दिए जाओगे, सरकार तुम्हारी चली जाएगी, तो डेस्पोटिज्म यहां नहीं चल सकता, ये हिंदुस्तान है बच्चा। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बहुत एकदम दुखी दीनहीन बने, ब्रेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, बिल्कुल एकदम निरीह प्राणी बन गए, और का यार अब का डेस्टिट्यूट हो गए हम, पतित कहते हैं इसको हिंदी, पतित पतावन सीताराम, पतितों के पतावन सीताराम, राम का मतलब ईश्वर से है ना, तो डेस्टिट्यूट का मतलब है बेसहारा, पतित घर विहीन, जैसे वो थी क्या नाम था रूथ हनेबल है ना, रूथ थी कि नहीं थी, रूथ हनेबल, हनी थी कि हनेवे थी पता नहीं, दैट विच हैज वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक हो उसे हम डेट्रीमेंटल कहते हैं, एकदम ये हार्मफुल से कई गुना ज्यादा शब्द खतरनाक है डेट्रीमेंटल, ठीक है ना बेटा, मारक हो गया ये, मेक डिसोलेट, जो आपको डिसोलेट कर दे, पथभ्रष्ट कर दे, डिवास्टेट हो जाए, उजाड़ कर दे, उजाड़ हो जाए, उजाड़ कर दे, तबाह कर दे, तो उसे हम डिवास्टेट हो जाना कहते हैं, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, शब्दों से प्रहार करना, डायट्राइब ये सही, अचानक हिंसक शब्दों से हमला करने वाला डायट्राइब हो गया, डायलॉग कर रहा ना वो, ये डाई हो गया, डाई माने डायलॉग, और ट्राइब, डायट्राइब का मतलब क्या है, जो शब्दों से प्रहार करे, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, ऐसी स्टोरी जो मॉरल और स्टोरिक ट्रूथ बताए, शिक्षात्मक कहानी जो हमको उपदेश दे, उपदेशात्मक, तो ये डिडैक्टिक हो गई, शिक्षात्मक हो गई, डिडैक्टिक। अगला कहता है शाही हो, टिमिड हो, अनविलिंग टू फेस अ सिचुएशन हो, ऐसे व्यक्ति को हम डेफिडेंट कहते हैं, हम भाई नहीं है, हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं, तो सामना करने की हिम्मत नहीं तो संकोचशील, वो डिफिडेंट हो गया, कॉन्फिडेंट के बजाय ये डिफिडेंट, ये कॉन्फिडेंट का उल्टा हो गया, हो गया नहीं हो गया लाल। फिर कहता टर्न और वांडर अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से घुमा दे बात, पढ़ा रहे थे वन वर्ड पहुंच गए ग्रामर में, तो डिसग्रेस, डिग्रेस हो गए, डिग्रेस माने रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक गए वो, मॉर्बिड कंपल्शन ऑफ ड्रिंक, ये आपने पढ़ा था उस दिन, डिप्सोमेनिया मदिरोन्माद, बिना पिए रहा न जाए, फियर ऑफ थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा हो और डर भी बहुत ज्यादा हो, यानी प्यास से न मर जाए हम, ये होती है डिप्सोफोबिया, डिप्सोमेनिया पिए बिना रहा न जाए, और डिप्सोफोबिया पीने से डर बहुत लगे, सॉन्ग संग एट बरियल, डिर्ज लाइक मरमर, याद आया डिर्ज कहते हैं उसे, शोक गीत, और लास्ट दो है वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड, इसको कहते हैं हम अप्रेंटिस प्रशिक्षु, यानी कहीं वो काम करे और बदले में उसको जो है टाट किया जाए, ताकि तुम वही काम आके जाके बाहर कर सको और पैसा भी थोड़ा मिले, है ना, काम भी करे, अस्पताल में प्रशिक्षु की तरह काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप जैसे होती, तो जो पैसा भी थोड़ा मिलता है और काम सीखने को भी मिलता है, और वहां वो काम करते हैं। फेलिंग ऑफ फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फेलिंग ऑफ फियर और डिसअपॉइंटमेंट, इसको कहते हैं डिसमे, निराशा। और ये रही आज की क्लास, अब सब लोग संडे का आनंद लो जाके बढ़िया आराम से, तुमको आनंद नहीं लेना है, थोड़ा घूमना और फिर आके बेटा पिछली क्लासेस सब दोहरा लेना, है ना, और बहुत जल्दी मैं फंडामेंटल फिर से शुरू करने वाला हूं, फंडामेंटल से ही क्लास शुरू करेंगे एक बार, और पूरी ग्रामर एक बार फिर से, ग्रामर पूरी की पूरी ग्रामर फिर से एक बार हम यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, अभी थोड़ा सा वोकैब पे काम कर दें, खूब सारा ढेर सारा मटेरियल वोकैब का दे दें आपको, और सबकी प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, है ना, वन वर्ड्स की डालोगे प्लेलिस्ट ढूंढ लोगे, उसमें सारे वन वर्ड्स मिल जाएंगे,
सिनोनिम के एंटोनिम, तो अभी एंटोनिम सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं 500-500 कम से कम करवा लूं आपको, फिर ग्रामर शुरू करेंगे और एक तरफ से पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे सबको, ठीक है ना बेटा। आइसक्रीम आओ आप मिलो, पुरनिया चौराहा मिलो और आइसक्रीम खिलाते हैं अभी तुमको, अभी मैडम को लाद के आ रहे हैं हम, ठीक है, वही मिलो पुरनिया पे सीतापुर रोड पे, चलो आओ आइसक्रीम खिलाते तुमको लल्ला, चलो ठीक है हम जाए थे, ठीक है भैया। शेयर वोर कर देना अपना, देख लेना है सब लोग बढ़िया आराम से शेयर वोर कर देना, सब देख लेना, कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, ठीक है बाबू।